नमस्कार, हमारे YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेज बिरौल में आप सबों का पुनः स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे। इन आशाओं के साथ कि एक पल की निराशा हजारों पल की आशाओं को बर्बाद कर देती है, इसीलिए लॉकडाउन में भी आप निश्चित रूप से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि यह जो समय है हम लोग बहुत ही खुश नसीब हैं कि हमें यह बहुमूल्य समय मिला है। भले ही एक महामारी के विषम परिस्थिति के कारण मिला है, लेकिन इन नकारात्मक समय में भी हम लोग को सकारात्मक सोचना होगा कि यह समय हमें अपने परिवार के साथ बिताने का, अपने मम्मी पापा के साथ घर पर रहने का सबसे उपयुक्त समय है। अतः बिल्कुल हम लोग नकारात्मकता में नहीं, सकारात्मकता में विश्वास करते हुए इस लॉकडाउन के बचे हुए समय को बिताएंगे। तो आज हम लोग एक नए बीमारी के साथ इस क्लास को शुरू कर रहे हैं, और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस डिजीज का नाम है ट्यूबरक्लोसिस। अर्थात ट्यूबरक्लोसिस को हम लोग टीबी बीमारी के नाम से, ये ज्यादा फेमस है टीबी, और हम लोग याद रखेंगे टीबी का फुल फॉर्म ट्यूबरक्लोसिस, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इन हिंदी क्षय रोग, जो बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन ट्यूबरक्लोसिस मीन्स हम लोग समझेंगे टीबी। और सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं, ये जो टीबी बीमारी है ये दुनिया के टॉप 10 जो सबसे डेंजरस डिजीज है, जिसके कारण दुनिया में प्रत्येक वर्ष सबसे अधिक लोग मरते हैं, उस बीमारी में से नाम आता है टॉप 10 डिजीज में से ट्यूबरक्लोसिस अर्थात टीबी। और एक और आंकड़ा हम आपको बता दें कि भारत देश नंबर 1 है इस डिजीज में। इस डिजीज के कारण भारत में मरने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक होती है। यदि हम दुनिया के केवल 7 देशों को जोड़ दें, जिसमें इंडिया नंबर 1, चाइना, पाकिस्तान, फिलीपींस और कुछ सारे देश हैं, ये 7 देश मिला करके कुल टीबी का लगभग 64% एफेक्टेड पर्सन इन केवल 7 देशों में रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे यह एक बहुत ही खतरनाक डिजीज है, दुनिया के टॉप 10 डिजीज में से एक है, जिसके कारण प्रतिवर्ष करोड़ों लोग मर जाते हैं। तो यह होता है किसके कारण? तो ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट को याद कर लेंगे कि ट्यूबरक्लोसिस डिजीज किसके कारण होता है, इसका कॉजेटिव एजेंट कौन होता है। तो हम लोग याद रखेंगे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। दिस बैक्टीरियम वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कोच, आई मीन इन 1882 ईस्वी में रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक ने इस जीवाणु की खोज किए थे। एक और ऑब्जेक्टिव हम लोग याद रखेंगे, वर्ल्ड टीबी डे, विश्व टीबी दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 24 मार्च। 24 मार्च को हम लोग इस बीमारी से लोगों को बचाने के लिए, जागरूक करने के लिए हम लोग विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाते हैं। और स्लोगन हम लोग याद रखेंगे, नो टीबी नो टीबी, टीबी को जानिए तो टीबी नहीं होगा, नहीं जानिएगा तो टीबी होगा। और इससे कई सारे व्यक्ति, कई सारे लोग करोड़ों की संख्या में हमारे देश में प्रतिवर्ष मरते हैं। तो याद रखेंगे नो टीबी, टीबी को जानिए, नो टीबी तो फिर आपको टीबी नहीं होगा। अबाउट 10 मिलियन ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड सफर फ्रॉम टीबी एवरी ईयर। 10 मिलियन, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लैक्स। तो 10 मिलियन लगभग 1 करोड़ लोग, और पीपल इन द वर्ल्ड सफर फ्रॉम टीबी एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष लगभग 1 करोड़ से भी अधिक लोग मरते हैं टीबी बीमारी से। ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का आंकड़ा है। वाइल इन इंडिया अबाउट 1.5 मिलियन पर्सन सफर एवरी ईयर, और हमारे भारत देश में 1.5 लगभग 15 लाख के लमसम में लोग प्रतिवर्ष इस बीमारी से मरते हैं। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन अफेक्ट्स मेनली लंग्स, बोन्स, ज्वाइंट्स, लिम्फ नोड्स।
कहता है कि ट्यूबर क्लोसिस इन्फेक्शन जो होता है ये इफेक्ट करता है खासकर किसे, लंग्स को, या सबसे ज्यादा जो प्रभावित करता है वो लंग्स को। इसके अलावे ये बोन्स सेकेंडरी में हम लोग ले सकते हैं, ज्वाइंट्स, हमारे शरीर का जो ज्वाइंट होता है, या फिर लिम्फ नोड, इसे भी यह प्रभावित करता है। तो मेनली हम लोग याद रखेंगे ट्यूबर क्लोसिस या जो टीबी बीमारी होता है इसमें हमारा लंग्स इफेक्टेड होता है, जिसको हम लोग पल्मोनरी टीबी के भी नाम से जानते हैं। ट्यूबर क्लोसिस स्प्रेड्स बाय, ये जो टीबी बीमारी होती है ये फैलती है किसके द्वारा, थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बाय पेशेंट। यदि कोई टीबी से संक्रमित व्यक्ति है उसके संपर्क में यदि हम आते हैं तो हम भी टीबी बीमारी से पीड़ित हो जाएंगे। दूसरा, थ्रू इन्फेक्टेड आर्टिकल्स दैट इज क्लोथ्स यूटेंसिल्स, जैसे यदि संक्रमित व्यक्ति जो कपड़ा पहनता है वही कपड़ा यदि हम भी यूज करें, वो भी जो दैनिक जो डेली यूजेज थिंग्स है जो इन्फेक्टेड पर्सन यूज कर रहा है वही यदि एक हेल्दी पर्सन यूज करेगा तो वो व्यक्ति भी इस बीमारी से पीड़ित हो जाएगा। इसलिए याद रखें जो पीड़ित व्यक्ति है, संक्रमित व्यक्ति है टीबी से, उसकी देखरेख तो करना है लेकिन उससे एक दूरी बना करके। क्लॉथ्स यूटेंसिल्स, जो व्यक्ति टीबी से संक्रमित है उसका हर कुछ, कपड़ा अलग होना चाहिए, रूम अलग होना चाहिए, बिछावन अलग होना चाहिए, खाने वाले जो बर्तन है ये अलग होना चाहिए। निश्चित रूप से यदि स्वस्थ व्यक्ति उनके द्वारा यूज किए गए किसी भी सामान को यूज करता है तो वह व्यक्ति भी इन्फेक्टेड हो जाएगा टीबी डिजीज से। ड्रॉपलेट्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन्स, और ड्रॉपलेट्स मतलब हमने आपको बताया था सलाइवा का जो छोटा छोटा बूंद जब हम लोग बोलते हैं तब जो बाहर निकलता है, इन्फेक्टेड पर्सन का यदि किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर पर पड़ता है तो इससे भी यह डिजीज एक संक्रमित व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में फैलने की आशंका होती है, अर्थात फैलती है, जो अभी कोरोना वायरस में भी हम लोग देख रहे हैं। इसीलिए आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है, ऐसे किसी भी संभावित व्यक्ति पर नजर होती है कि शायद इसे कोरोना हो, उसे अलग रखा जाता है, और यही होना भी है। मैंने आपको बताया भी था शुरुआती क्लास में कि बीमारी को अपनेपन की पहचान नहीं होती है, इसीलिए निश्चित रूप से जो संक्रमित व्यक्ति हैं उनकी देखरेख तो करनी है लेकिन एक दूरी बना करके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले तो याद रखेंगे कॉजेटिव एजेंट दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। वर्ल्ड टीबी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 24 मार्च, नो टीबी। एंड नेक्स्ट, हाउ टीबी स्प्रेड्स, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस हियर दैट व्हाट इज द सिम्पटम ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो सबसे पहला बात करते हैं हम लोग लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी, अर्थात भूख नहीं लगना, जनरल फीवर, साधारण बुखार, वीकनेस, कमजोरी, ब्लड कम्स विथ बलगम। निश्चित रूप से इस पॉइंट को अच्छे से देखेंगे कि यदि किसी व्यक्ति को टीबी बीमारी होती है तो जो सबसे पहला लक्षण होता है उसमें बलगम अर्थात जो खखार होता है उसके साथ खून की मात्रा आती है। तो ऐसा नहीं है कि खून आ गया मतलब टीबी ही होगा, लेकिन आप सतर्क जरूर हो जाए कि यह टीबी का लक्षण है, आपको जांच अवश्य करवाना चाहिए। यदि जब कभी भी आपके बलगम के साथ ब्लड आए, ब्लड की मात्रा आए, तो निश्चित रूप से आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पेन इन चेस्ट ड्यू टू इन्फेक्टेड लंग्स, क्योंकि हमारा जो लंग्स होता है वो प्रभावित होता है, इफेक्टेड हो जाता है, जिसके कारण हमारे छाती में दर्द होने लगती है। हार्शनेस ऑफ थ्रोट, और जो आवाज है वो हार्शनेस, कर्कश हो जाता है, भारी हो जाता है। और नेक्स्ट हम लोग याद रखेंगे कि ट्यूबरक्लोसिस में हम लोग जो टेस्ट का प्रयोग करते हैं, जिस जांच के माध्यम से हमें पता चलता है कि टीबी बीमारी है उस पर्टिकुलर पर्सन को, उस टेस्ट का नाम है मेनटॉक्स टेस्ट। तो याद रखिएगा, मेनटॉक्स टेस्ट इज यूज्ड इन ट्यूबरक्लोसिस। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस हियर दैट प्रिवेंशन, अर्थात रोकथाम। पहला है यूजिंग वैक्सीन ऑफ बीसीजी, निश्चित रूप से याद रखिएगा बीसीजी वैक्सीन का उपयोग किस बीमारी में किया जाता है, ट्यूबरक्लोसिस, और बीसीजी का फुल फॉर्म भी हम लोग याद रखेंगे, बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन। वंस मोर,
बेसिलस कैलमेट ड्यूरिन, बीसीजी का फुल फॉर्म हम लोग याद रखेंगे। टीबी बीमारी से बचने के लिए हम लोग बीसीजी का टीका अवश्य लगवाते हैं और लगवाना चाहिए। क्लीनलीनेस ऑफ रूम, जहां वह संक्रमित व्यक्ति रहता है निश्चित रूप से वह रूम साफ होना चाहिए, या फिर हमारा रूम भी जो है वो वैसे भी साफ होना चाहिए यदि हम लोग किसी भी बीमारी से अपने आप को बचाना चाहें तो। द थिंग्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन शुड बी डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ फैमिली, यदि किसी व्यक्ति को टीबी बीमारी है तो निश्चित रूप से उनके द्वारा जो भी डेली यूज की सामान है, जो थिंग्स है, चाहे बर्तन हो, कपड़ा हो, हर चीज अलग होना चाहिए स्वस्थ व्यक्ति से। तो निश्चित रूप से ये सारे चीजों का उपयोग करके हम लोग टीबी बीमारी से बच सकते हैं। अर्थात एक बार पुनः हम आपको बताना चाहेंगे, नो टीबी, नो टीबी। टीबी को जानिए तो टीबी से आप बहुत दूर रहिएगा। आज के क्लास में बस इतना ही, अगले क्लास में पुनः हम लोग दो नए डिजीज को लेकर आएंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबक है, जय हिंद।